रिम्स में कोरोना मरीज के इलाज में लापरवाही पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई नाराजगी, दिया ये आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के कोविड वार्ड में बेड से गिरे एक मरीज की तत्काल मदद नहीं करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने मंगलवार को मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इसका संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने रिम्स प्रबंधन को आगाह किया है कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो या सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री को विभिन्न माध्यमों से शिकायत मिली थी कि रिम्स स्थित कोविड वार्ड में एक मरीज बेड से नीचे गिर गया, लेकिन घंटों गुहार लगाने के बाद भी उसकी मदद नहीं की गई। सीएम ने एक अन्य मामले में रिम्स में इलाज करा रहे बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के महुआ टांड थाना क्षेत्र के चंगड़ी गांव निवासी दिलीप करमाली के पूरी तरह स्वस्थ होने तक समुचित इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश भी रिम्स प्रबंधन को दिया है। मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि दिलीप करमाली के रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है, जिससे उनका दोनों पैर शिथिल हो गया है। दिलीप को रिम्स के चिकित्सकों ने एडमिट करने से इनकार कर दिया था। घर वाले निजी अस्पताल में इलाज कराने में असमर्थ हैं। एक तरफ इलाज में कोताही पर मुख्यमंत्री ने रिम्स प्रबंधन को निर्देश दिया, तो दूसरी ओर सराहनीय कार्य के लिए सराहना भी की। कहा कि कोरोना वॉरियर्स जिस लगन और निष्ठा से सेवा कर रहे हैं वह अद्भुत है। चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी तथा अन्य सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देता हूं, जोहार करता हूं। हमें मिलकर कोरोना के संक्रमण को परास्त करना है। मुख्यमंत्री को रिम्स प्रबंधन ने जानकारी दी है कि एक कोविड मरीज जिसकी आंत फट गई थी, उसका आपातकालीन ऑपरेशन किया गया। मरीज हेपेटाइटिस बी से भी संक्रमित है। ऑपरेशन से संक्रमण का खतरा अधिक होने के बावजूद मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया गया। मरीज की स्थिति अभी स्थिर है। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने रिम्स प्रबंधन की सराहना की है।